Assalamualaikum guys, this is me Sayyed Ali Shahashmi. Welcome back to my YouTube channel. So guys, कैसे आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से मैंने अपना 14 अगस्त का व्लॉग मिस कर दिया. और सीरियसली मैं कहीं गई भी नहीं, ना मैंने कपड़े पहने. हालांकि मैं कपड़े तो बड़े शौक से लाई थी, वो व्लॉग भी आप लोगों ने देखा, अगर नहीं देखा तो वो भी जाके देखें. कपड़े भी बहुत शौक से लाई थी लेकिन हम लोगों में से किसी ने नहीं पहने, क्योंकि हमारे घर से ना मैं गई ना कोई और गया कहीं पे भी, तो क्या व्लॉग बना दिया. और ऊपर से शोर इतना हो रहा था, पी बाजे ये वो ये वो. सो फिर तबीयत भी थोड़ी सी डाउन थी, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलता है चलता है. और स्पेशली मेरी मम्मा ने केक मंगा के रखा था कि तुम ये अपने व्लॉग में कट करना, और वो परिया ने मेरे व्लॉग से पहले ही कट कर दिया. उसका व्लॉग भी उन पर आप लोग को ऐड कर दूँगी, देख लीजिएगा. आज है मेरे स्कूल में फंक्शन 14 अगस्त का, लेकिन है 16 अगस्त को. आज 16 अगस्त है तो आज है मेरे स्कूल में फंक्शन. सो मैं उसके लिए उठी हूँ अभी 7 बज रहे हैं और मैं उठी हूँ. आज मुझे अगर नहीं जाती ना, मेरी सारी फ्रेंड्स ने मुझे ब्लॉक कर देना था हर जगह से. वैसे मुझे मतलब एक हफ्ते से बुला रही थी, स्कूल आ जा, लेकिन मैं नहीं जाती. आज मुझे जाना पड़ रहा है, ऊपर से मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा और मिल भी रहूँगी सबसे. और जो है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे कुछ लोगों ने बताया कि स्कूल में आज के दिन ब्लॉग मोबाइल अलाउ नहीं करा. मतलब बताओ यार, फंक्शन में मोबाइल अलाउ नहीं करें. लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा हम सब आ रहे हैं, तुम भी लिया, हम कोई सीन बना देंगे तुम्हारे ब्लॉग का. तो मैंने कहा ठीक है यार, क्योंकि मेरे स्कूल वाले ब्लॉग को बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए मैं कभी मिस नहीं करूँगी अब इंशाल्लाह. सो मैं आई थी यहाँ पर ब्लॉग शूट करने. बहुत प्यारा व्यू हो रहा है. कितने मज़े का व्यू हो रहा है और वेदर. हेलो, हाउ आर यू? हाय. वो भी नहीं, चलो माशाल्लाह से हमारे घर का जो सामने का व्यू है वो तो है ही प्यारा. और जो है ना, वेदर भी बहुत प्यारा हो रहा है. गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो मुझे सर्दी. हम लोग के घर में सबको सर्दी लगती है, तो हम लोग ब्लैंकेट और जो है ना चादरें लेके सोते हैं. सैम गर्मी है ही नहीं, वरना पहले तो बहुत होती थी. ये क्या चल रहा है, अगस्त में होती थी, लेकिन इस बार नहीं. अब तक लेकिन अच्छा है, वेदर ठीक रहना चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है. सब चलते हैं ऊपर. मेरा ब्रेकफास्ट मैं रख कर आई थी, वरना लेट हो जाएंगे. मैं तो उठती भी नहीं, और मेरी बहन मुझे तो बस. अब चलते हैं ऊपर और मेरा ब्रेकफास्ट भी रखा. क्या कर रही हूँ? मैगी बना रही. इस टाइम आपने खा ली मैगी पूरी? गुड. तो गाइस, ये हम लोग का ब्रेकफास्ट है. ये मेरी चाय और लाइबा की. लाइबा ने बनाई है अपने लिए मैगी, ये ब्लू पैंट और ये ब्रेड. तो बस अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट. जब तक आपको चाहे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें, फिर होंगे रेडी ताकि हम लोग लेट ना हो जाए. मैं सोती रह जाती अगर मेरी बहन मुझे ना उठाती. बस अब करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद आप सुनते हैं भाई. अभी रख दो, कल पहनाऊँगी आपको, रख दो. अलीशा इतनी काली लग रही हो. दिखाओ जरा अपना मुंह. बैक कैमरे से जभी में नहीं आती है इतना. अच्छा, मुझसे ना 200 रुपये ले जाना और ना वहाँ जाके कुछ खा लेना. सही है, तुम्हारे 200 रुपये की मोहताज हूँ. तो किसकी मोहताज हो इस वक्त? तुम्हें कौन देगा पैसे? अपने पास तो जगह पूंजी रखती हूँ. कल तो मैंने मांगे थे, तुमने फकीरनी जैसी शक्ल मंगा ली थी. क्यों दूँ तुम्हें? खबरदार, तुम वहाँ जाके कैप्सी गई अपने दोस्तों के साथ या कहीं गई? क्या मतलब है, नहीं जाऊँ? नहीं, सीधा घर. स्कूल से स्कूल, स्कूल से घर. अच्छा, हाँ. जी हाँ, तभी तो इतना स्ट्रिक्ट मेरी मम्मा मिली. डॉग का है मेरी दोस्त अपने घर में. आपके घर में? मेरे घर में नहीं, अपने घर में. आपकी दोस्त आए फजूल का. गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी हाफ, क्योंकि मेकअप लाइवा ने करा और नेल्स पहले रात में ही लगा लिए थे. मासी, तुम पीछे आ रही हो, हमारे से बताएगा कि लाइवा ने मेरा मेकअप कैसा करा. बिल्कुल हल्का हल्का करा है स्कूल के हिसाब से, और नेल्स मैंने रात में लगा ली थी, स्ट्रेटनर भी कर लिया था. बस अब चेंज करते हैं और उसके बाद आते हैं. सो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और इसलिए मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, मुझे नहीं पता कैसा हुआ.
क्योंकि मैंने कभी ऐसा करा ही नहीं, मैंने यूँ करके यूँ करा है लेकिन ऐसा कभी ना करा है। लेकिन अब जो है मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी, उस टाइम को उठा दो लेके जाएगा मुझे। सो ये मेरा फुल आउटफिट है, अब बस चलते हैं स्कूल, भी लेट हो जाने वाले हम। स्कूल के अंदर क्या हुआ, मैं आ रही हूँ। इन बच्चों को अभी अभी मौका मिला है पिक्चर्स लेने का, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था। वाओ अमेजिंग, अलीशा खड़े हो जाओ, तुम वहाँ पे थोड़ी एक्शन करो, यहाँ पे आओ अलीशा, तुम आ रही हो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं स्कूल के अंदर, मोबाइल अलाउ नहीं कर रहा है। क्या हुआ, मैं आ रही हूँ। इन बच्चों को अभी अभी मौका मिला है पिक्चर्स लेने का, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था। वाओ अमेजिंग, अलीशा खड़े हो जाओ, तुम वहाँ पे थोड़ी एक्शन करो, यहाँ पे आओ अलीशा, तुम आ रही हो। यही रहे उसका व्लॉग बना रही है। और ये अलीशा, इन लोगों ने मुझे कहा था तुम आ जाओ हम सेटिंग बनवाएंगे, फेमस होगा मरियम नवाज आई है। इसकी क्लिप डाल देना, मरियम नवाज का करेक्टर क्या था, क्लिप पास ही मिलेगी मुझे, मैं सारी मंगा के मुझे सेंड कर देना। ये क्या मरियम नवाज बनी थी यार, क्या मजे की है ना, गुड यार गुड। ये पार्ट है, मैं मरियम हूँ और यहाँ यौम आजादी का फंक्शन हो रहा है। आखिरकार याद आ ही गई यूएसएस को हमारी, तो यहाँ पे मिया साहब का सपोर्टर कौन कौन है, वो बच्चा कहाँ गया जो मिया साहब का पोस्टर फाड़ रहा था। बेफिक्र रहो, मैंने तुम्हारी पिक्चर ली है, मिया साहब को भेजूंगी। जैसे कि मैं आज
चुकी हूँ। ना ओलिव की बुके थी, ना कभी ऐसे फंक्शन हुए। और इस बात का मियां साहब, आपके गाय को इतना दुख है कि उसके दिल में इतना दुख है कि उसे बाहर मर जाना पड़ा। सर सर साइंस प्लीज साइंस। सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि IUSS ने बाकी सब स्कूल्स को पीछे छोड़ दिया है। के जियालों में आज आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ जो आपको कभी आंटी मला ने भी नहीं बताई होगी कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। मुझे पापा ने बताया कि मुझे IUSS में स्पीच करना है तो मेरी कांपे टांग गई। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम भुट्टो तो खानदानी ओरेटर थे, मुझे कहा गया था कि स्पीच नॉर्मल करनी है, चीखना नहीं है। लेकिन मैं तो स्पीच में सिर्फ चीख नहीं जानता हूँ, क्राउड को एंगेज करने के लिए, आवाम से कनेक्शन करने के लिए बाजी है। मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, मलका नाजुक दौर से गुजर रहा है। सर मलका नहीं मुल्क होता है। सॉरी, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो गाइस हम लोग जो है स्कूल वगैरह से फारिग वगैरह हो गए थे, फिर हमने सोचा कि हम लोग आज रहे खाना खाने, फिर मैं मेरी फ्रेंड आए थे और खाना भी आ चुका, गर्मी में इतनी बुरी हालत हो रही है, दिख भी दी हो तो आप लोगों को खाना वगैरह आ चुका है, सब खाते हैं। ये मेरी बिरयानी है, वो जहरा की है। चुप रही थी आप और ये स्ट्रिक्ट शर्म आ रही क्यों आ रही तो ये स्ट्रिक आ गई। अपना लंच हो गया ना, लंच हो गया ना ये हमारा, तो हम लोग करते हैं अपना लंच। जब तक आप लोग जो है लाइक कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, अभी हम घर जाएंगे, अभी हम घर जाएंगे खाना खाने के बाद। ऑर्डर देते हुए मैंने दिखाई थी कि हम लोग स्ट्रिक बनाए थे, टाइम ही नहीं मिला हम लोग को टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का। फिर से मुझे याद रहा है ब्लॉग नहीं बना रही, मतलब खुद तो कुछ याद ही नहीं था। अच्छा हाँ सही है। तो हम लोग की बिरयानी आ चुकी है, कोल्ड ड्रिंक भी आ चुकी है, ये भी दिखाते हैं। और जब तक हम लोग ये खाते हैं, आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके बाद मैं दिखाऊँगी डायरेक्ट घर जाके, खा के दिखाओ कैसी है, खाओ ना खाओ चलो।
नॉर्मल है, टर्न ऑफ मुकाबला नहीं है, पकार से मुकाबला नहीं है ना, टर्न ऑफ कितने फिर भी बस कुछ हम देंगे इस बिरयानी को 10 of 10। चखो दो तुम पहले, चखी है मैं, चखी है, सही है, 10 out of 7 is 6 सही है, 3 हाँ 6 सही है, 10 of 6 खाते हो फिर चलो। सो ये हो गई हमारी पार्सल, अरे यार इनको अलग अलग करवा दी थी, अलग अलग जाना है हमें। ये भी पी ली हम लोगों ने, अब चलते हैं। तो भाई सब चलते हैं हम लोग अपने अपने घर, हम लोग का लंच हो चुका है लेकिन बिल्कुल मज़ा नहीं आया खाने में, बिरयानी बिल्कुल अच्छी नहीं, तुम्हारी वजह से मंगाई है माया, रोल मंगा लेते नहीं है ना, कुछ है ही नहीं खोल कर रखा, हाँ नहीं मेरे को नहीं कहना, नहीं फ्लैश ऑन है यार, अच्छे आते हो तुम ना, क्यों हालत बुरी हो रही है, हालत मेरी इससे सबसे ज्यादा बुरी हो रही है, बहुत देर नहीं लगा रहे शॉपर लाने, बहुत ज्यादा खराब सर्विस है, सर्विस कार इसका, अबे यार चल बेटा बिरयानी बिठा, पैसे उठा, चल नहीं डाटा आपको, सॉरी बाबू सॉरी। सो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ, मैं बोल लू, पहले मैं बोल रही थी फिर आप बोलना, ओके ठीक है। सो गाइस अब मैं घर आ चुकी हूँ और बिरयानी वगैरह सब खा ली थी, बेकार बिरयानी थी, ठीक थी, 10 of कितने दिए थे, 6 दिए थे यस। तो अब जो है मतलब मज़े की बिरयानी नहीं थी, ऐसा लग रहा था बासी बासी नहीं होती है, बहुत पुरानी और अजीब टाइप थी, तो हम लोग से इतनी खाई नहीं गई, फिर मैंने रास्ते में आते हुए किसी को दे दी और मेरी दोस्त ने पता नहीं क्या घर आया उस बिरयानी का। सो अभी मैं घर आई हूँ, मैं अपने शोना बाबू को छोड़ के गया था ना, अब नहीं जाऊँगा। तो टाइम हो रहा है 7 PM हो रहे हैं और जो है ना इतनी नींद आ रही है, भूख तो शदीद लग रही है। सो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, अब वो आते ही होंगे अंकल पिज़्ज़े वाले, तो हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे और उसके बाद आप ब्लॉग को एंड करेंगे, फिर सो जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। और जो है ना यार जब मैं आई ना 2 बजे, 1 बजे आई थी, नहीं हाँ 1:12 बजे ही आई थी मैं घर पर ना, बहुत मज़ा आया आज मेरे ज़हरा के साथ, कंपनी उसने बहुत अच्छी दी मुझे, थैंक्स ज़ारा, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग, और अब चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, आ गया होगा गाइस यहाँ पे, मेरे पिज़्ज़ा सही है ना, सो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग के पिज़्ज़ा, और ये मम्मा ने गलत ऑर्डर कर दिए, स्मॉल साइज मंगा लिया मम्मा, मैं तो भी भूख लगे, खाओ मेरे तो काट के दे दो, हाँ। अच्छा